साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है जंगल कट रहा था लेकिन जंगल के सारे पेड़ कुल्हाड़ी का साथ दे रहे थे, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी उनकी अपनी जाति की थी। इस फोटो का, इस वक्तव्य का भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार में बनाए गए पिछड़े और दलित समाज के मुखौटों यानी कि मंत्रियों से सीधा तौर पर कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैंने ऐसे ही चलन में कर दी। ना ही इस बात से कोई लेना देना है कि पिछड़े और वंचित और दलित वर्ग को इस समय तमाम सारे झुंझुने थमाए जा रहे हैं। खैर, पिछड़े और दलित वर्ग के मुखौटों के सम्मान समारोह और सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें शेयर करने में मशगूल पिछड़े और दलित वर्ग के लिए तमाम सारी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है, पीजी और ग्रेजुएट महाविद्यालयों के प्रिंसिपल्स यानी कि प्राचार्यों के पदों का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उस पर चर्चा कर लेता हूं। लेकिन चर्चा से पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री पंडित दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि पंडित दिनेश शर्मा अपने समाज, जाति और वर्ग की जिन अपेक्षाओं को लेकर के इस पद पर बैठे थे, उनका निर्वहन पद पर बैठने के साथ ही बहुत ठीक ढंग से कर रहे हैं। चाहे बिना उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा पास किए हुए विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को परमानेंट करने का मामला रहा हो, उनके विनियमितीकरण का मामला रहा हो, या ठोक करके असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसर्स की नियुक्ति में अपनी जाति का ख्याल रखने का हो, दिनेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया। और उनके इस काम में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी, प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी ने उनका साथ बखूबी निभाया। उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी मंत्री यही हैं, तो उनकी अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे और विशेष सचिव जयशंकर दुबे, इन लोगों ने भी बखूबी इस काम में यानी कि समाज की सेवा में उनका साथ बखूबी निभाया। इसलिए दिनेश शर्मा जी बधाई के पात्र हैं। अभी जो रिजल्ट आया है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से, वैसे तो 290 लोगों का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन 27 लोगों की नियुक्तियां कोर्ट में रिट के कारण फंसी हुई हैं, तो 263 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है जिसमें सचिव वंदना त्रिपाठी के साइन हैं। इस रिजल्ट में भी बाकायदा अपने समाज का बखूबी ख्याल रखा गया है। 263 में से 222 पद जनरल यानी कि सवर्ण या होने चाहिए थे अनारक्षित, लेकिन जनरल और सवर्णों से भर दिए गए हैं। इक्का दुक्का ओबीसी के लोग भी अनारक्षित में रखे गए हैं ताकि सीधे सीधे आरोप ना लगाया जा सके। इस रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है अपने सवर्ण भाइयों की। क्यों तकलीफ है? इसलिए क्योंकि उच्च वर्ग के कुछ लोगों को पिछड़े वर्ग में इस बात की बड़ी तकलीफ रहती है कि इनका हिस्सा ये खा रहे हैं, इनका हिस्सा ये खाए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सवर्ण वर्ग में मेरे कायस्थ भाइयों के साथ, जैन भाइयों के साथ, अग्रवाल बनिया भाइयों के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसकी चिंता मुझे होना लाजमी है। तो मेरे पेट में भी बड़ी तकलीफ हुई कि सवर्णों का हिस्सा एक कुछ खास जातियां खाए जा रही हैं। कैसे? 263 में से 222 पदों पर सीधे सीधे सवर्णों की नियुक्तियां हो गई अनरिजर्व। थोड़े बहुत आंकड़े यहां वहां हो सकते हैं लेकिन बाकी मैंने खुद गिने हैं। 222 में से 78 पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्तियां कर ली गई, मतलब जनरल कैटेगरी के पद 35% सीधे सीधे एक ही जाति के हिस्से में चले गए। इक्का दुक्का पद यहां वहां हो सकते हैं लेकिन उपाध्याय किसी ओबीसी एससी का टाइटल तो नहीं होता है। तो जितने लोगों में टाइटल थे उनकी संख्या के हिसाब से बता रहा हूं, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ब्राह्मण के हिस्से में 35% सवर्णों का हिस्सा आया। ठाकुर जाति के 54 लोग प्राचार्य बन गए, मतलब सवर्णों का 24% हिस्सा ठाकुरों के खाते में आया। श्रीवास्तव समाज को मिले 11 पद, मतलब 4.95% हिस्सा सवर्णों का श्रीवास्तव के हिस्से में। और अग्रवाल, गुप्ता, बनिया
बंसल मिलाकर के 16 लोगों की नियुक्ति हुई। मतलब सवर्णों का 7% हिस्सा बनिया अग्रवाल गुप्ता लोगों के खाते में, जैन लोगों के 3-4 नाम बमुश्किल दिखाई दिए, उसी तरीके से भूमिहार भी 3-4 हैं, तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? क्योंकि सवर्णों का हिस्सा ब्राह्मण और ठाकुर ने मिल करके 59% पदों पर कब्जा जमा लिया। घोषित हुए रिजल्ट्स के कुल पदों की अगर बात करें तो 263 में से 132 पद इन्हीं दो जातियों के हिस्से में चली गई। मतलब कुल नियुक्तियों का 50% हिस्सा दो जातियों ने आपस में मिलकर के बांट लिया, जिसमें पंडित दिनेश शर्मा की जाति को ज्यादा लाभ हुआ। लेकिन इसको जातिवाद आप कतई नहीं कह सकते, क्योंकि राम राज्य में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ओबीसी के लिए खुशखबरी है, तो उसके लिए खुशखबरी क्या है? ओबीसी के लिए खुशखबरी ये है कि कुर्मी देखे यादवों को तो ज़्यादा नहीं दिखेंगे, खुश होने की बात है। यादव देखे कुर्मियों को तो ज़्यादा नहीं दिखेंगे। उसी तरीके से कुर्मी, यादव, मौर्य, लोधी, प्रजापति, विश्वकर्मा, गुर्जर, नाई, ये सब एक दूसरे को ढूंढें और इस खुशफहमी में रहें कि देखो दूसरा ज़्यादा नहीं हो पाया। इन सब जातियों को अन्य पिछड़ी जातियां देखें तो उनको खुशी महसूस होगी कि देखो ज़्यादा नहीं हो पाए। उसी तरीके से एससी वर्ग में चूंकि सिलेक्शन हुए हैं कुल 7, तो एससी की अन्य जातियों को जाटव छोड़ करके ये तकलीफ नहीं होगी कि जाटव समाज के लोग ज़्यादा भर गए। जब कुल 7 पदों पर एससी की नियुक्ति हुई है और ओबीसी के कुल 19 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, मतलब पूरी नियुक्तियों का केवल 7% हिस्सा ओबीसी के खाते में आया, तो अब इस 19 में कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन ज़्यादा हो गया कौन कम हो गया, ओबीसी को ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए ओबीसी एससी वर्ग का आदमी दूसरे की नियुक्ति ना होने पर खुश हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के दुख से ज्यादा सुखी है, इसीलिए वो पिछड़ा और दलित वर्ग का कहा जाता है। अब इनको नुकसान कितना हुआ? 263 जो पद घोषित किए गए हैं उनका 27% हिस्सा अगर देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के हिस्से में आनी चाहिए थी 72 सीट, लेकिन ओबीसी के हिस्से में आई हैं 19 सीट, मतलब 53 सीट का उसको सीधे सीधे नुकसान हुआ है। उसी तरीके से एससी के रिजर्वेशन के हिसाब से उसके खाते में आनी चाहिए थी 57 सीट, आई हैं कुल 7 सीट, मतलब 50 सीट का सीधे सीधे उसको नुकसान हुआ है। हाँ, पिछड़ा और दलित वर्ग का व्यक्ति इस बात पर खुश हो सकता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखा गया है। मुस्लिमों की केवल 2 नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भी एक क्रीमी लेयर ओबीसी के खाते में भेज दिया गया है। खैर, राष्ट्रवाद और धर्म की अफीम चाटने में मस्त पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को मिला करके कुल हिस्सेदारी दी गई है 9.66%, यानी कि जो देश की बहुसंख्यक आबादी है उसको महज 10% में समेट दिया गया है। इस रिजल्ट में एक और खेल किया गया है, 14 नामों के सामने लिखा गया है क्रीमी लेयर ओबीसी। तो महानुभावों, जब क्रीमी लेयर ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है तो इन 14 नामों के सामने ओबीसी क्रीमी लेयर लिखने की जरूरत क्या थी? इन सब नामों को अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में शामिल होना चाहिए था, लेकिन आप ओबीसी को भ्रमित करना चाहते थे। खैर, चलिए मान लेते हैं 19 नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी यानी कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उनको आपने प्राचार्य के तौर पर नियुक्त किया, 14 ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है ना ही आपने दिया है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर इन दोनों ओबीसी की संख्या को जोड़ दिया जाए तब भी संख्या उनके 27% से आधी पहुंचती है। 72 पद उनके 27% के हिसाब से होते हैं, आपने दिए हैं कुल 33 पद, उसमें भी ओबीसी के आरक्षण का लाभ लेने वाले महज 19 लोग हैं। आपने जिन 14 लोगों को क्रीमी लेयर दिखा करके उनका सिलेक्शन किया है, कोई एहसान नहीं किया है, उनकी नियुक्ति तो वैसे भी अनरिजर्व कैटेगरी में होनी चाहिए थी। अब लॉजिक क्या दिया है इसके पीछे उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने? उन्होंने कहा चूंकि प्रिंसिपल एक यूनिट होती है और हमने जिस महाविद्यालय में नियुक्ति की है तो एक पद पर हम आरक्षण नहीं लगा सकते थे, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जब इतने महाविद्यालयों को एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर रहा था तो 263 महाविद्यालयों को एक यूनिट कैसे मान सकता था?
अगर उसकी नीयत ठीक होती तो इन 290 पदों को पूरा मिला करके एक यूनिट मानता और उसके आधार पर उन पर आरक्षण लागू करता तो पिछड़े और दलित वर्ग को उनकी हिस्सेदारी पूर्ण रूप से मिल जाती। हालांकि मैं शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने और योगी आदित्यनाथ सरकार ने, पंडित दिनेश शर्मा ने अपना असली चेहरा लोगों के सामने ऐसे समय में ला दिया जिस समय वो अपनी अपनी जाति के मुखौटों को पकड़ कर खेल रहा है, संसद में अपनी ही जाति के लोगों को उनके जाति के पक्ष में बयान देते हुए, कुछ ज्ञापन देते हुए, यानी कि पूरा ड्रामेबाजी में मस्त था। जिस समय उसके जाति के नेता जाके बता रहे हैं पिछड़े वर्ग को कि देखो मोदी जी ने नीट में आपको 27% आरक्षण दे दिया, उस समय में ये रिजल्ट आना इस बात का गवाह है कि महज आंकड़ों में रिजर्वेशन आरक्षण देने से या भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। हकीकत में इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है, जो इस सरकार में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बुरी तरीके से आपकी जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश की जा रही है, एक हाथ से दे करके दूसरी तरफ से आरक्षण भागीदारी हिस्सेदारी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप अपने अपने जाति के चेहरों को, मुखौटों को संसद में कुछ कुछ देखते हुए, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखने में मशगूल हैं। तो आपकी इच्छा, मैं केवल लोगों को जागरूक और सजग कर सकता हूं तो वो काम बेहतर ढंग से कर रहा हूं। देखते रहिए निशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप